हेलो एंड वेलकम इन जंप इन एंड्रॉयड बाय सिक्स में प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे बटन्स बनाना और इमेज बटन्स कैसे बनाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए चलते हैं बटन्स बनाने के लिए। यहाँ जो बटन्स हम बनाने वाले, उससे पहले मैं आपको डेमो दिखा दूँ कि कैसा बटन्स आप सीखने वाले आज बनाना। देखिए इस साइड आप राइट स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये एक इमेज बटन्स है, ठीक है। उसके नीचे सिंपल बटन्स है, यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ। उसके बाद आपको देख रहे हैं यहाँ फेसबुक का बटन्स मैंने बना कर रखा हुआ है, और ये जो स्पेशल मल्टी कलर बटन है, ये सब बनाना हम आज सीखेंगे। ये तो मैं आपको डेमो दिखाया हूँ, चलिए इसको मैं कोडिंग करके सिखाता हूँ स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ। यहाँ से मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर रहा, एम्प्टी एक्टिविटी, प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ बटन, बाकी का हम जैसा रख रहे हैं वैसे ही रखेंगे। फिनिश पे हम क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड होकर के आएगा। देखिए यहाँ प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है, और जैसे ही सिंकिंग कंप्लीट होता है तो मेरे पास दो फाइल आ जाएगा पहले की तरह, एक XML फाइल और एक जावा फाइल। अब यहाँ दोनों फाइल हमारी आ चुकी है, और हम सबसे पहले इसे साइड कर देते हैं, और नीचे का आप जो यहाँ बिल्डर दिख रहा है आपको नीचे का एरिया, यहाँ से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले XML में चलते हैं, और आप सबसे पहले जो हमारा काम है अपने सुविधा के अनुसार मैं अपने लेआउट को चेंज कर देता हूँ। अभी इसे मैं कर देता हूँ लीनियर लेआउट, कैपिटल LINER। ये देखिए हमेशा लीनियर लेआउट जो है एक नीचे का हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ ये सिलेक्ट नहीं हो पाया था उस टाइम, चलिए इसे भी कर देते हैं हम लीनियर लेआउट। चलिए ये हो चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी आप XML में आप कोड लिखते हैं तो आप ये जानिएगा XML और HTML, HTML में जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन जो हमारा XML है वो केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसलिए जब भी आप देखें यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में भी देखिए तो टी कैपिटल है, याद रखिएगा हमारा XML जो होता है केस सेंसिटिव होता है। मैं अभी इसको हटा दिया, जो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट व्यू आता है उसे मैंने हटा दिया, और हम यहाँ बटन बनाना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू को भी साथ में ओपन कर दिया, और साथ में इसे मैं सो लेआउट डेकोरेशन भी क्लिक कर दिया, जो कि यहाँ पे स्टेटस बार और बाकी एक्शन बार हर कुछ शो कर यहाँ पे। चलिए सबसे पहले जो हम बटन बनाना चाह रहे हैं मैं आपको बटन दिखा दूँ। देखिए मैं बोला कि एक केस सेंसिटिव है, तो हाँ कैपिटल हैंड में लिखना पड़ेगा आपका बी लिखा। देखिए यहाँ बटन आ चुका है, बटन आया तो इसका हम, आपको पता है मैच पैरेंट और रैप कंटेंट आप समझ चुके होंगे क्या होता है अब तक। तो अब मैं इसका जो विड्थ है उसे मैं रैप कंटेंट कर दे रहा हूँ, और हाइट भी रैप कंटेंट कर दे रहा हूँ। जितना बड़ा टेक्स्ट हो उतना ही बड़ा उसमें साइज हो बटन का। अब इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं कोई टेक्स्ट, तो यहाँ देखिए टेक्स्ट लिखे तो हमने एंड्रॉयड टेक्स्ट आ चुका है। इस बटन में आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, सपोज हम लिखना चाहते हैं सिंपल, मैं बटन बना रहा हूँ एक, इसमें लिख रहे हैं क्लिक हेयर। यहाँ आप ध्यान दें, मैं आपको कुछ सिखाने वाला हूँ यहाँ पे, आप ध्यान दें एक चीज़। तो मैंने यहाँ क्लिक हेयर लिखा है इस साइड अपने कोडिंग में क्लिक हेयर, और यहाँ बटन में देखिए क्या आपको कुछ अंतर दिखा, ध्यान दें सही से, आपको जरूर कुछ अंतर दिख गया होगा। देखिए यहाँ क्लिक हेयर जो लिखा है आप क्लिक हेयर, तो यहाँ पे चलिए इस साइज का तो अलग बात है, वो तो हो जाए, क्लिक हेयर का ई नहीं आया, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात आपके ये भी देख ले कि हमने लिखा यहाँ पहला सी कैपिटल कोडिंग में और बाकी स्मॉल है, लेकिन आप यहाँ देखिए सारे के सारे कैपिटल हो चुका है, ठीक है। आप देखिए क्लिक हेयर का ई भी आ चुका है, चलिए वो तो कुछ मिस्टेक रहा हो, लेकिन आप एक चीज़ देख ले है, गौर कीजिए, जो कि यहाँ क्लिक हेयर लिखा है स्मॉल में और यहाँ देखिए है कैपिटल। तो ये होता है इसलिए क्योंकि जो बटन्स होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट कैप्स इसका ट्रू रहता है, ऑल कैप्स ट्रू रहता है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप लिखिएगा कैप्स, देखिए टेक्स्ट ऑल कैप्स आ चुका है, ठीक है। टेक्स्ट ऑल कैप्स तो ट्रू रहता है हमेशा, इसे आप कर देंगे फॉल्स, ठीक है। जैसे ही हमने टेक्स्ट ऑल कैप्स फॉल्स किया, देखिए जैसा हमने कोडिंग लिखा वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं, अब मैं थोड़ा साइज छोटा कर दूँ, आप चाहते हैं थोड़ा मिडिल में आ जाइए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करें, सिंपली यहाँ पे जो लीनियर लेआउट है इसकी ग्रेविटी को कर दे आप, ग्रेविटी को कर दे सेंटर हॉरिजेंटल, देखिए ये इस ऊपर में आ चुका है, ठीक है। और कुछ मार्जिन चाहते हैं आप देना तो आप एक मार्जिन भी दे सकते हैं इसके बीच में। तो मैं यहाँ बटन्स में मार्जिन देता हूँ, बटन्स में देता हूँ मैं टॉप मार्जिन, ठीक है, टॉप मार्जिन।
लेआउट टॉप मार्जिन जो है मैं देता हूँ 50 dp। तो देखिए ऊपर से, एक मिनट, क्यों नहीं हुआ, 50 dp जो हमने लिखा, एक बार मैं इसे देख लेता हूँ, नहीं यहाँ हुआ तो इसे ऊपर लिख देंगे 50 dp। हाँ देखिए 50 dp हमने लिखा मार्जिन, तो ये देखिए ऊपर से नीचे खसक के नीचे आ चुका है, ठीक है। तभी एक तो हमने बटन सिंपल सा ये बनाया, अगर चाहते हैं इसके पीछे या कलर चेंज करना तो आप वो भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है। यहाँ देखें जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को अगर आप कोई कलर चाहते हैं अपने से करना, तो इसके लिए है हैश, आपको मैं बताया था एक वाइट कलर के लिए होता है हैश, और 3 times f लिखिए, तो ये 3 times f लिखते ही वाइट हो जाता है। तो यहाँ जो वाइट आएगा इस पर आप क्लिक कीजिएगा, और जो भी आपको मन हो वैसा कलर आप ले लें, यहाँ से सपोज रेड लेना है तो रेड ले लें, ठीक है, जो भी कलर आपको पसंद है, मैं ऐसे सिंपल जो कलर है वो अभी चुन ले रहा हूँ, देखिए रेड हो चुका, ठीक है। और टेक्स्ट का भी कलर चाहते हैं टेक्स्ट चेंज करना, तो यहाँ पे आप सिंपली वही आपका एट्रीब्यूट है टेक्स्ट कलर का, टेक्स्ट कलर का जो रंग आप चेंज करना चाहते हैं, सपोज मैं इसे वाइट करना चाहता हूँ, तो हमको हमें याद ही है वाइट के लिए क्या होता है हैश, और 3 times f हमने लिखना है, एक मिनट, और टेक्स्ट कलर के लिए हम एक बार देख लेते हैं, यहाँ देखिए थोड़ा लेट से यहाँ काम किया वाइट, ठीक है, यहाँ तो ये वाइट हो चुका है। अगर आप चाहते हैं और भी कलर चेंज करना, तो यहाँ पे हम वाइट के अलावा इसे हम पर्पल करके देखते हैं, देखिए पर्पल हो चुका है, और वाइट ही ऐसे सही लग रहा था तो हम उसे अगेन वाइट ही कर देते हैं, वो वाइट हो चुका है। ऐसे यहाँ आपने बटन्स के बारे में बहुत सारा कुछ देख ही लिया, और एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करना, सिंपल वही है आपका टेक्स्ट बोल्ड, टेक्स्ट जो स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल, इसे आप सिंपल कर दें बोल्ड, ठीक है, देखिए ये बोल्ड हो गया। साइज भी बड़ा करना चाहते हैं तो जैसा टेक्स्ट व्यू में हम लोग किए हैं टेक्स्ट साइज, सेम वैसा ही है टेक्स्ट साइज, और इसके साइज को चाहते हैं 25 करना, देखिए ये बड़ा हो चुका है, 20 कर देते हैं, ठीक है, क्लिक हेयर, तो इस टाइप से 28, हाँ 28। और टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं SP, जैसा कि आपको पता है, देखिए आपने पहले बटन जो सिंपल एक बटन हम लोग क्रिएट करते हैं हमेशा, तो ये आपने कर लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर एक चीज़ और देख ले, अगर आप रैप कंटेंट विड्थ को अगर मैच पैरेंट कर देते हैं बटन्स का, देखिए हाँ ये जो देखिए विड्थ जो दिया हुआ है बटन्स का विड्थ लेआउट विड्थ था, हाँ बटन्स लेआउट विड्थ ये 120 dp हो चुका था, एक मिनट, हम इस विड्थ को मैच पैरेंट आप करके दिखाते हैं, पहले मैच पैरेंट, देखिए मैच पैरेंट करने पर बहुत जगह इस टाइप के बटन देखे होंगे आप, मैच पैरेंट करने को जितना आपका विड्थ का जो स्क्रीन का एरिया है उतने पूरे एरिया में ये ले लेगा। आप कोई साइड भी दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे 120 था तो 120 dp मैं फिट कर देता हूँ, तो देखिए 120 dp के अकॉर्डिंग हो गया। अगर आप चाहते हैं कि अगर इसको रैप कंटेंट करना, जितना बड़ा टेक्स्ट है उतने ही साइज में आ जाए, देखिए रैप कंटेंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप जैसा चाहते हैं ऐसा साइज यहाँ पे देखे बटन्स को बना सकते हैं अपना। चलिए अब हम चलते हैं आपको इमेज बटन बनाने पर दिखाते हैं, इमेज बटन कैसे बनता है। उसके लिए मैं पहले एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ कि इस एंड्रॉयड स्टूडियो की खास बात है कि आपकी जो कोडिंग यहाँ तक आ चुकी है, इस जगह पे देखिए एक बटन टाइप का आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या हुआ कि ये बटन्स का जो सारा कोड था वो एक जगह सिमट गया। फिर आप इससे इस पर प्लस साइन पर क्लिक करेंगे तो ये सारा बटन्स का कोडिंग एक जगह आ जाएगा। तो आपने ये नया सीख लिया आईडी जो हमारा ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो है इसके ऊपर, ठीक है। अब चलिए जो बटन्स हमने बना लिया, हम चलते हैं आपको इमेज बटन बनाने के ऊपर, ठीक है, जो कि इमेज व्यू उसमें दिखे। इसके लिए देखिए आपको मैं शॉर्टकट बताता हूँ, एंगुलर ब्रैकेट दीजिए और कैपिटल में IB लिखेंगे, ठीक है। IB कहने का मतलब होता है इमेज और बटन, इतना आते आप इंटर प्रेस कीजिए, देखिए सारा आ जाएगा इमेज बटन। इसमें चाहते हैं अगर रैप कॉन्टेंट करना, हाइट भी मैं रैप कॉन्टेंट किया, और इमेज कंटेंट, इमेज के लिए आप चाहते हैं कोई इमेज लेना तो मैं आपको बताता हूँ इमेज आप कहाँ से ले इमेज की लोगो। तो एक वेबसाइट है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट जहाँ पे आपको आइकन्स कई सारे मिल जाएंगे। देखिए आइकन फाइंडर है, ठीक है, इस आइकन फाइंडर में आप सोशल मीडिया लिखिए, socialcsocial सोशल मीडिया MDIA मीडिया, और सपोज यहाँ पे कोई भी आइकन अगर लेना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ इंस्टाग्राम का ये आइकन में लेना चाहता हूँ,
इस इंस्टाग्राम के आइकन पे क्लिक करें, आपको जो भी साइज देना है यहाँ पे आप लिख, जैसे मैं 64 पिक्सल का साइज में लेना चाहता हूँ, इसे लिख कर क्लिक करके 64 पिक्सल क्लिक करके मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया। देखिए नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, डाउनलोड हो भी चुका है। मैं यहाँ पे सो इन फोल्डर करता हूँ कि इस फोल्डर में चला जाए। देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, तो क्या करते हैं हम इसको यहाँ से कट ही कर लेते हैं। यहाँ से हम इस आइकन को किए कट और एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं। यह एंड्रॉयड स्टूडियो में आए और सिंपल हम अपने रिसोर्स के अंदर जो ड्राइवर, रिसोर्स के अंदर में जो ड्राइवर है, इस रिसोर्स के ड्राइवर में हम करेंगे इसे पेस्ट। यहाँ राइट क्लिक करके हम यहाँ इससे जो पेस्ट का दिया हुआ है हमने इसे किया पेस्ट। ओके, नेम चेंज करना चाहते हैं तो हम इसे चेंज कर देते हैं, इंस्टाग्राम था तो INSTA इंस्टा हमने लिखा, insta.png। अब ये है कहाँ मेरा ईमेल, देखिए यहाँ ड्राइवर के अंदर में यहाँ insta.png आ चुका है। अब मैं इस प्रोजेक्ट को साइड कर दिया। अब हमें यहाँ पे ईमेल बटन्स में इसका यूज करने वाले हैं, तो यहाँ देखिएगा SRC तो एंड्रॉयड सोर्स आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो है कहाँ आपका ड्राइवर के अंदर इंस्टा नाम से, देखिए मैंने INSTA इंस्टा लिखा, देखिए खुद से आ गया ड्राइवर इंस्टा। ड्राइवर इंस्टा पे हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे ड्राइवर इंस्टा इंस्टाग्राम का आ गया, लेकिन आप देख रहे हैं क्या इस बटन्स के जस्ट पास ही आ गया। ठीक है, तो हम तो ऐसा नहीं चाहते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इसे नीचे लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करें, अपने लीनियर लेआउट में जाए। लीनियर लेआउट में आपको जा करके यहाँ बस क्या करना है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन आपको कर देना है वर्टिकल। ठीक है, देखिए ये ऊपर इसलिए आया क्योंकि अब जो इमेज बटन है मैंने इसे भी ऊपर कर दिया है। मैं आपको दिखा दूँ, इमेज बटन्स को आप यहाँ से कट कर दें, कट कर दिया, और जो हमने बटन्स बनाया था उसके नीचे चाहते हैं आप लाना, तो इस बटन्स के नीचे चलिए मैं बटन्स को यहाँ से मिनिमाइज कर दिया। देखिए बटन्स जैसे नीचे आपको सिखाया कुछ देर पहले, इस कोडिंग को एक्सपेंड करना और इसे मिनिमाइज करना। ठीक है, अब इसके नीचे में आप इसे पेस्ट करें जो कट किए थे, देखिए यहाँ इंस्टाग्राम नीचे आ गया, लेकिन देखा दोनों चिपक गया। तो चाहते हैं कुछ इसके पीछे आप मार्जिन देना, तो आसानी से आपको पता ही है कि टॉप मार्जिन डाल दीजिए आप, टॉप मार्जिन 50 dp, टॉप मार्जिन 50 dp दिया, देखिए दोनों के बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं फिर नेक्स्ट जो कि ऐसा बटन हो जिसमें साथ ही साथ एक इमेज भी हो और हम उसमें कुछ कंटेंट्स लिखना भी चाहते हैं, हाँ तो बिल्कुल इसका भी उपाय है। चलिए मैं इस टाइम इसे आप मिनिमाइज कर दिया, चलिए दो मैंने बटन आपको बना दिखा दिया। तो वैसा करने के लिए आपको क्या करना है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप सिंपल सा यहाँ बटन बनाएं, इमेज बटन नहीं, सिंपल सा आपको यहाँ बनाना है बटन। ठीक है, मैंने यहाँ बटन बनाया और दिया रैप कॉन्टेंट, रैप कॉन्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे आप उसमें जो भी लिखना चाहते, सपोज मैं यहाँ पे जैसे कि मैं लिखता हूँ टेक्स्ट में, लिखता हूँ टेक्स्ट के अंदर में, एक मिनट, ये टेक्स्ट TEX, ये टेक्स्ट एंड्रॉयड टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख दे सपोज मैं लिखता हूँ फेसबुक। अभी मैं हार्ड कोड ही कर रहा हूँ, आपको बताया हूँ कि हार्ड कोड किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ हार्ड कोड ही किया है। यहाँ हार्ड कोड मैंने फेसबुक लिखा और यहाँ कर देता हूँ, आपको जैसे पता है कि फेसबुक मैंने स्मॉल में लिखा लेकिन यहाँ स्मॉल हुआ नहीं सारा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल कैप्स, टेक्स्ट ऑल कैप्स जो है, टेक्स्ट ऑल कैप्स को कर दे फॉल्स। देखिए फॉल्स क्या है, यहाँ पे ये आ चुका है। अगर आप चाहते हैं इसमें अब कोई लोगो लगाना, जैसे मैं फेसबुक का ही लोगो लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप आ ही गए हैं, आपको पता है सोशल मीडिया आप क्लिक किए, मैं एक बार इसे फिर बैक करके दिखा दूँ। सोशल मीडिया पे क्लिक करके एक बार फिर से लिखता हूँ यहाँ पे सोशल, ओहो ओ यहाँ पे हो गया था SOCIAL सोशल मीडिया, मीडिया लिख करके आप स्पेस क्लिक करके सर्च कर लें, या इंटर मैंने प्रेस किया। हाँ देखिए यहाँ फेसबुक का चाहते हैं, तो मैं ये फेसबुक का आइकन सेलेक्ट कर लिया 64 पिक्सल में, इसे हम क्लिक करके इसे भी डाउनलोड कर ले रहे हैं, और इसका भी हम यहाँ क्लिक करके सो इन फोल्डर पे आ गए। यहाँ से इसे भी हम कर ले रहे हैं कट, एक मिनट, ये एक बार फिर से इसे सो इन फोल्डर करना पड़ेगा, सो
शो इन फोल्डर, हाँ यहाँ। तो चलिए इसे हम कर ले रहे हैं इस टाइम यहाँ से कट, और ले आते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के ड्राइवल में पेस्ट करते हैं। जब पता है कि कोई भी इमेज हम कहाँ पेस्ट करते हैं, ड्राइवल में पेस्ट करते हैं। ऐप्स को एक्सपेंड कीजिए, सबसे पहले यहाँ रिसोर्स को एक्सपेंड कीजिए, ड्राइवल में आकर के यहाँ इसे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर करके यहाँ पे ओके, फिर आप इसका नेम आप चेंज कर दीजिए, और यहाँ करते हैं फेसबुक, फेसबुक दिया, ओके पे प्रेस कर दिए। तो देखिए यहाँ फेसबुक पीएनजी भी आ गया। अब इसे प्रोजेक्ट को साइड कर दिए, और यहाँ पे आप इस फेसबुक वाले पे यूज करना चाहते हैं आइकन, इसके लिए मैं बताता हूँ, वो है ड्राइवल लेफ्ट, ठीक है। अब ड्राइवल लेफ्ट लिखें, देखिए याद रखिए यहाँ पे ड्राइवल लेफ्ट लिखें, और साथ ही साथ यहाँ पे आप यूज क्या करना चाहते हैं फेसबुक को, तो यहाँ देखिए ड्राइवल फेसबुक जो आपने आपका जो है उस पर क्लिक करें, तो यहाँ देखिए ये फेसबुक आ चुका है। अब इसके साइज़ को आप जो करना चाहते हैं चेंज, साइज भी चेंज कर सकते हैं, इनके बीच में आप फिर टॉप मार्जिन भी दे सकते हैं, टॉप मार्जिन, टॉप मार्जिन यहाँ पे 30 dp दे दीजिए। टेक्स्ट के साइज को बड़ा करना हो तो बड़ा कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको तीन टाइप का ये जो बटन बनाना है वो डिज़ाइनिंग समझा दिया, आप खुद से करके इसे देख लीजिए। और जो चौथा टाइप का जो डिज़ाइनिंग है जिसमें मल्टी कलर हम लाना चाहते हैं बटन्स, उसकी वीडियो मैं अभी बनाऊंगा, तो बहुत ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो वो मल्टी कलर का जो बटन है उसका डिज़ाइनिंग मैं अगले वीडियो में डालूंगा, ठीक है। तो आप इन तीनों बटन्स की प्रैक्टिस करें, अभी तो हमने बस डिज़ाइनिंग की, ठीक है। इसे हम रन करके चलिए, हम दिखा भी देते हैं रन करके कैसे रन होता है। चलिए अभी इसे हम कनेक्ट कर रहे हैं और अपने मोबाइल से मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, या मैं डेवलपर ऑप्शन को भी हमने अपने मोबाइल का ऑन कर लिया, और वाइजर को ओपन कर लेते हैं। मैं अपने ही फ़ोन पे रन करके आपको दिखाऊंगा। तो वाइजर मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, जब तक ये वाइजर कनेक्ट हो रहा है तक मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ वाइजर पे आ चुके हैं हम, और यहाँ व्यू पे ओपन करते हैं। हमारा मोबाइल जो है वो कनेक्ट हो रहा है, देन हाँ कनेक्ट हो चुका है। और अब हम सिंपल इसे रन करके दिखाते हैं कि कैसे ये हमारे डिस्प्ले पे शो करता है, ठीक है। तो सिंपली हम इसे यहाँ पे रन पे क्लिक कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्लिक हो चुका है, और ये डिवाइस के बारे में यहाँ देगा नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ रेडमी का आ गया, Xiaomi 7 है, हमने क्लिक किया ओके। आप देख सकते हैं नीचे का जो बिल्ड अगर देखना है, तो यहाँ देखिए जो आइकन है इस बिल्ड पे क्लिक करिए, देखिए यहाँ पे बिल्डिंग बताएगा कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये 2 मिनट के अंदर, अभी 2 सेकंड के अंदर में ये काम हो जाएगा। अभी मैं बता दूं कि अगर ये बिल्ड होकर के जैसे ही मेरे मोबाइल में रन होगा तो आपको दिखेगा ही, तो यहाँ दिखने ये वाला है कि एक्चुअल में जो हमने अभी तक सिर्फ डिज़ाइनिंग की है, इस पर क्लिक करने पर कोई फंक्शन अभी हमने ऐड नहीं किया। क्लिक करने पर कुछ भी फंक्शन होगा वो ऐड हम कहाँ करेंगे, तो वो ऐड हम अपने जावा वाले जो फाइल है उस पर करेंगे, ठीक है। यहाँ हम सामने में मोबाइल भी अपने ले आए हैं, क्योंकि जो भी होगा हम इस पर देख पाएंगे आराम से। यहाँ गेटवे पूरा सिंक हो चुका है, और अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन देगा, मेरे मोबाइल में भी आएगा इंस्टॉलेशन का ऑप्शन। देखिए APK अब इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है, मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, अब जो होगा वो आउटपुट आपके सामने आने वाला है। अब यहाँ देखिए ये तीनों बटन आ चुके हैं, देखिए मैंने इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन इस पर कोई भी फंक्शन, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैंने अभी तीनों पे क्लिक किया, देखिए अभी इंस्टाग्राम पे मैं क्लिक कर आपको दिख भी रहा होगा क्लिक करता हुआ, लेकिन कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इस पर जो हम फंक्शन सीखने वाले क्लिक करने पर क्या होगा वो अगले क्लास में सीखेंगे, लेकिन जो इसके बाद जो वीडियो मैं डालूंगा उसमें मैं मल्टी कलर का बटन्स जो डिज़ाइनिंग करते हैं वो कैसे करेंगे वो दिखाऊंगा। देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे इस पर काम करना है कि क्लिक करने पर कोई इवेंट हो उसके ऊपर, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और यहाँ पर वीडियो देखे है तो एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ इस चैनल को वो व्यूअर सब्सक्राइब कर दें जो अभी एंड्रॉयड सीखना चाहते हैं और बिगिनर्स है पूरी न्यू तरीके से, क्योंकि इस तरीके के एंड्रॉयड के ट्यूटोरियल्स ये पूरे कंप्लीट करेंगे हम। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thanks for watching.